के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जनपदों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम का लखनऊ आगमन। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई में सहभागिता। 4 बजे नेशनल अर्बन प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में सहभागिता। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित जनपदों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम का लखनऊ आगमन। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई में होंगे शामिल। 4 बजे नेशनल अर्बन प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित जनपदों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। हवाई सर्वेक्षण। 24 सितंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमीरपुर दौरा। लखनऊ से जालौन के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। जालौन के बाद 1:40 पर हमीरपुर पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। व्यापारियों संग बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। करीब 4 बजे हमीरपुर से चित्रकूट के लिए होंगे रवाना। लखनऊ से जालौन के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। फिरोजाबाद से शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 2 दिन से हो रही लगातार भारी बारिश। नौनिहालों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसए ने जारी किया आदेश। फिरोजाबाद में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश को लेकर नौनिहालों के हितों को ध्यान में रखकर हमीरपुर से बड़ी खबर। रेलवे प्रशासन और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा। तीन दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो सकी जल निकासी। ब्रिज में पानी भरे होने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर गुजर रहे राहगीर। मौदहा सीसोलर मार्ग के अंदर के पास की घटना। रेलवे प्रशासन और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हमीरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरा। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो सकी जल निकासी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमसे जुड़ेंगे। ब्रिजेश, ब्रिज अंडर पास पर पानी भर गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के जो यहाँ से मौदहा सोलर मार्ग है, पूरे मार्ग में एक अंडर ब्रिज पड़ता है जिसमें बीते दिनों हुई बारिश के बाद से पूरा लबालब भरा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि अभी देर रात ही यहाँ से सोलर थाने की जीप गुजर रही थी जो पूरी तरीके से इस अंडर ब्रिज में आधी समा गई थी, जिसके बाद किसी तरीके से जो उसमें जीप में पुलिस कर्मी थे वो अपने निकल करके तैर करके पूरा जो है उस सड़क को पार किए थे, जिसके बाद आज सुबह भी अभी
हाल फिलहाल वही स्थिति बनी हुई है। ये पूरा कहा जाए तो रेलवे प्रशासन और जो यहाँ के ठेकेदार हैं इनकी बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया, जिसे पूरा अंडरब्रिज पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसे यहाँ जो के जो दर्जनों गांव का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित है। यहाँ से लोग इसी पानी से गुजरकर आवागमन जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी भी होने की आशंका जताई जा रही है। जी विरजेश, तो क्या अभी तक कोई शिकायती पत्र या किसी भी प्रशासन से कोई बात हो पाई है जल निकासी को लेकर? बात अगर शिकायत की करी जाए तो यहाँ रेलवे प्रशासन और जो संबंधित ठेकेदार हैं उनके संज्ञान में पूरा मामला है, कोई ये बहुत दूर का वाकया नहीं है। यहाँ मौदाह स्टेशन है, उसके महज एक या डेढ़ किलोमीटर की दूरी में ये पूरा अंडरब्रिज बना हुआ है, जहाँ से लोग यहाँ के दर्जनों क्षेत्र के लोग आवागमन कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ के प्रशासन के संज्ञान में है। हालांकि जल निकासी के बारे में अगर बात करी जाए तो अभी तरीके से यहाँ का जो अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है वो पूरी तरीके से अभी जल निकासी नहीं हो सकी है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी धन्यवाद ब्रजेश तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, पार्टी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलेंगे अखिलेश। अखिलेश के नेतृत्व में करीब 12 विधायक पहुंचेंगे। 10:15 पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान अहम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। अखिलेश यादव आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। पार्टी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलेंगे अखिलेश। अखिलेश के नेतृत्व में करीब 12 विधायक पहुंचेंगे। 10:15 पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, राज्यपाल से अखिलेश यादव मिलेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि मानसून सत्र के आखिरी दिन, जो सदन की आखिरी दिन है, उससे ठीक पहले आज अखिलेश यादव महज कुछ ही मिनटों के अंदर वो राज्यपाल आवास जाएंगे, राज्यपाल निवास जाकर वो आनंदीबेन पटेल से महामहिम से मुलाकात करेंगे। वहां जाकर तमाम मुद्दों पर, जो अहम मुद्दे हैं प्रदेश में, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसे जो सदन के बीच में कार्रवाइयां हो रही है उससे जुड़े भी लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि इन सब विषयों पे बात करेंगे कि जो पक्ष है वो विपक्ष है, वो सदन की जो गरिमा होती है, साथ ही साथ जो अगर पूर्व में देखें तो सदन कैसे चलती थी और आज की क्या स्थिति है। मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के लगभग दर्जनों श्रेष्ठ विधायक जो उम्र में बड़े हैं, साथ ही साथ उन्होंने उनके सदन का उन्हें पहले से अनुभव है, वो कई मर्तबा सदन के सदस्य रह चुके हैं, ऐसे विधायक उनके साथ जाएंगे और मुलाकात उनकी 10:15 रखी गई है और कुछ ही समय में अखिलेश यादव महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, मगर अभी जितनी सूचना मिल रही है उतनी सदन की कार्रवाई और साथ ही साथ प्रदेश की जो उनकी तरफ से बताई जा रही स्थिति है उस स्थिति पे वो बात करेंगे। जी धन्यवाद विभांशु तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, वन दरोगा के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन, 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन, 6 नवंबर आवेदन करने का अंतिम दिन, 13 नवंबर तक किया जा सकेगा संशोधन। पीटी में शामिल होने वाले ही माने जाएंगे पात्र, यूपीएसएससी के तहत पदों पर की जारी भर्ती, वन दरोगा के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन, लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर?
जी मयूरी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC के द्वारा वन विभाग में वन दरोगा के जो 701 रिक्त पद है उसके लिए जो चयन होने वाली है और इसका जो मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली है और 17 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन के जरिए ये पूरे प्रोफार्मा को सबमिट करना होगा और वहीं परीक्षा शुल्क भी उसी समय देना होगा। और आपको बताएं कि जो अंतिम तारीख होगी वो 6 नवंबर होगी इसमें अपना आवेदन कराने का, साथ ही साथ जो भी अगर संशोधन रहेगा वो 13 नवंबर को किया जाएगा। वहीं जो पेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें अपनी जो अप्लाई होता है वो कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष और तमाम जो युवा हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उसी पहल में कहीं ना कहीं ये 701 जो भर्तियां हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जो वन दरोगा की भर्ती में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद राहत की खबर है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसमें न्यूनतम जो एज है वो 21 वर्ष रखी गई है। जी मयूरी जी धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। कमिश्नर देवी पाटन मंडल SP अग्रवाल का आज श्रावस्ती दौरा, कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। कानून व्यवस्था के साथ निर्माण कार्यों की भी देखेंगे हकीकत। मंडलायुक्त रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदारों से करेंगे बात। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरिहरपुर रानी का करेंगे निरीक्षण। BC सखी एवं आयुष्मान कार्ड बनाने वालों से करेंगे बात। CDO अनुभव सिंह ने दी जानकारी। देवी पाटन मंडल SP अग्रवाल का आज श्रावस्ती दौरा, UP विधानसभा में CRPC विधेयक हुआ पेश। UP सरकार ने CRPC संशोधन विधेयक पेश किया। गंभीर महिला अपराधों से नहीं होगी अग्रिम जमानत। सरकार ने गंभीर अपराधों में सजा के प्रावधान खत्म किए। बढ़ते महिला अपराध पर सरकार का सख्त कदम। कुछ मामलों पर सजा बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास। निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक पास। UP विधानसभा में UP लोकपाल विधेयक पास। बुलंदशहर में परिवार पर काल बनी बारिश। बुलंदशहर से बड़ी खबर बता रहे हैं, अचानक जमींदोज हुआ मकान। मलबे में दबने से मकान में मौजूद महिला की मौत। दो अन्य लोग बताए जा रहे हैं घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे। अहमदगढ़ क्षेत्र के मुमेरजपुर गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। बुलंदशहर में परिवार पर काल बनी बारिश। अचानक जमींदोज हुआ मकान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, मकान गिरने से महिला की मौत हो गई है, बड़ा हादसा सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, ये जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव का मामला है जहाँ 48 घंटे रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उसी को चलते हुए एक मकान छत गिर गई थी जिसमें एक महिला दबकर की मौत हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें कि दो लोग अभी घायल है, उन्होंने अकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए।
कुशीनगर से बड़ी खबर, तेंदुओं ने गांव के तीन लोगों पर बोला हमला। तेंदुओं के हमले से गांव में फैली दहशत। हमले में दो लोगों की हालत गंभीर, घायलों को जिला अस्पताल के लिए किया गया रेफर। घटना के बाद वन विभाग की टीमें हुई रवाना। रामकोला थाना क्षेत्र के कुइया और हरपुर माफी का मामला, तेंदुए ने गांव के तीन लोगों पर हमला बोला। कुशीनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, तेंदुए के हमले से गांव में फैली दहशत। हमले में दो लोग की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, सगी बहनों से दुष्कर्म और हत्या का मामला। पीड़ित परिजनों से मिलने उनके घर जाएंगे मंत्री रामदास अठावले। पीड़ित परिवार के गांव पहुंचेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। 12:10 पर निघासन पहुंचेंगे मंत्री। 2 सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक। बैठक के बाद पत्रकारों से होंगे रूबरू। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, FIR ना दर्ज करने पर इंस्पेक्टर राजकिशोर को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज कुमार ने इंस्पेक्टर को भेजा जेल। कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज कर भेजा जेल। तत्कालीन बाघ राय SO राजकिशोर ने नहीं दर्ज की थी FIR। पीड़ित परिवार ने न्यायालय में दाखिल किया था परिवाद। दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट की FIR दर्ज कराने थाने पहुंची थी। फतेहपुर जिले में रिटसेल प्रभारी हैं आरोपी इंस्पेक्टर राजकिशोर। आज कोर्ट में फिर होगी मामले की सुनवाई। कानपुर में मां बेटी की दबंगई आई सामने। मां बेटी ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। पिटाई से महिला बुरी तरह से घायल। बिलहौर के उत्तरी क्षेत्र के एमा गांव का मामला। कानपुर में मां बेटी की दबंगई आई सामने। मां बेटी ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। पिटाई से महिला बुरी तरह से घायल। बिलहौर के उत्तरी क्षेत्र के एमा गांव का मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर में महिला और उसकी बेटी का दबंगई का वीडियो सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं बता दूं कि बिल्हौर थाना क्षेत्र का मामला है, उत्तरी क्षेत्र के एक एमा गांव का मामला है, जिसमें एक माँ और बेटी है जो कि किसी एक महिला से किसी चीज को लेकर कोई बहस हो जाती है, जिसको लेकर काफी पिटाई करती है और पिटाई इस कदर करती है कि वो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले के लिए मुकदमा लिख लिया है और उस पर विवेचना की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर माँ बेटी का इतना इस तरीके से मारना और कहीं ना कहीं अकेली महिला को इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी लोग मुख दर्शक बने देखते रहे इसको, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत ही गंभीर है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या इस मुकदमे में लिखने के बाद क्या कार्रवाई करती है। जी, धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए। प्रदेश में लंपी वायरस का मामला। लंपी वायरस के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। 1126 टीमें टीकाकरण के लिए गठित की गई। 127 मोबाइल
वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही है। 26,04,500 पशुओं को गोट पॉक्स का टीका लगा। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पंप पर चोरी और लॉकर तोड़ने का प्रयास। चोरी की घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। नाकाम होने पर सोते कर्मचारी की जेब से निकाले 2,000। तीन चोरों ने किया घटना को अंजाम देने का प्रयास। बलुआ क्षेत्र के सेमुरा राजीव दूसरा सेल्स मैनेजर राजीव फ्यूल सेंटर सेमरा चंदौली। हमारे यहाँ कल रात को 12:20 पे तीन चोर आए और हमारे लॉकर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किए। नहीं टूटने पे बगल वाले रूम में गए और हमारे स्टाफ सब सो रहे थे और उनकी जेब से 2,000 रुपये निकाले और चले गए। हमारे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और इसकी सूचना हम लोग नज़दीकी थाने पे दे दिए। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एसओजी और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हुआ घायल। घायल अपराधी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में लूट और ट्रक ड्राइवर की हत्या में था वांछित। अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। सदर कोतवाली के सुखदेवपुर के पास हुई मुठभेड़। दिवस पहले झारखंड से रांची बाईपास एरिया में एक मर्डर करके कुछ व्यक्तियों ने लाश वहां पे ड्राइवर की फेंकी थी। एक ट्रक लूट की घटना सामने आई थी। इस पूरे प्रकरण में ट्रक और कुछ व्यक्ति जो है वो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे थाना क्षेत्र सुहवल में। कुछ व्यक्ति वहां से जो अपराधी थे वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे। आज एक 25,000 रुपये का इनामी दिलीप यादव की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। बैरिकेडिंग डाल के चेकिंग करते हुए उसको वार्निंग दी गई रुकने के लिए। वे व्यक्ति जब नहीं रुके तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एसओजी टीम और थाना अध्यक्ष कोतवाली की टीम ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में दिलीप यादव घायल हुआ है। श्रवण यादव वहां से फरार हुआ है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। गौतम बुद्ध नगर में आज भारी बारिश की आशंका। डीएम ने फर्स्ट क्लास में 8 तक की छुट्टी की घोषित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। गौतम बुद्ध नगर में आज भारी बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।